हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं डीआईवाई क्राफ्ट मैजिक और मैं हूं नीलम। आज मैं बताऊंगी आपको कि आप अपने सिंपल से पर्स को यूनिक और खूबसूरत कैसे बना सकते हैं बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स यूज़ करके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना है मेरे वीडियोज़ को, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ देखिए मैंने एक पर्स लिया है और इसको मैं थोड़ा सा इस पर आर्ट करके थोड़ा सा वर्क करके इसको बनाऊँगी मैं बिल्कुल यूनिक। तो यहाँ मैंने लिया है वाइट कलर के स्टोन, ये देखिए, और इसे अपने पसंद से किसी भी साइड से आप इसको चिपका सकती हैं, डिज़ाइन बना सकती हैं। तो यहाँ मैंने सेंटर पे दिया है जो स्टोन है उसको इस तरह मैंने चिपका कर डिज़ाइन बनाया है, ये देखिए। और इस डिज़ाइन को हम जहाँ जहाँ हमें लगे कि यहाँ पे होना चाहिए वहाँ बनाएंगे। फिर यहाँ पे मैंने ये जो पर्ल है वाइट वाले वो यहाँ पे चिपकाएंगे जिससे कि हमारे पर्स जो है यूनिक लगेंगे। अगर आप चाहें तो आप अपने पर्स को मल्टी कलर का भी बना सकती हैं या आप अपने साड़ी के मैचिंग भी बना सकती हैं, अपने साड़ी से या ड्रेस से मैचिंग इसमें स्टोन कुंदन आप कुछ भी लगा सकती हैं तो ये आपका पर्स और भी खूबसूरत लगेगा। यहाँ पे मेरी साड़ी ग्रे कलर की थी तो इसलिए मैंने इस पर इस टाइप के वर्क किए जो कि मेरे साड़ी से मैच करता हुआ है। और साथ ही आप देख सकती हैं कि पर्स जिस तरह से वर्क हो रहा है कितना यूनिक लग रहा है, कितना सुंदर लग रहा है, ये देखिए। और इसको चिपकाने के लिए आप हॉट ग्लू का यूज़ करें। हॉट ग्लू से चिपकाने से क्या होता है कि हमारा जो पर्ल है वो बहुत ही अच्छी तरह से और जल्दी चिपक जाता है, क्योंकि फैब्रिक ग्लू का आप यूज़ करेंगी तो वो चिपकने में टाइम लगता है और इतने टाइम में हमारा जो स्टोन है वो टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा और जल्दी चिपकेगा भी नहीं। तो इसलिए हॉट ग्लू का ही आप यूज़ करें इसको इस तरह चिपकाने के लिए। तो यहाँ पे देखिए मैं इसके चारों तरफ कॉर्नर यानी बॉर्डर पे मैं इसका यूज़ कर रही हूँ पर्ल का, ये देखिए। इस तरह डिज़ाइन डालने से बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे मुझे इसी टाइप का डिज़ाइन था। अगर आपके दिमाग में कोई और डिज़ाइन चल रहा हो तो आप मुझे कॉमेंट करके अपने जो डिज़ाइन है मेरे साथ शेयर कर सकती हैं। तो यहाँ पे इस तरह मैंने पूरे बॉर्डर में अप और बैक साइड में सेंटर और पीछे साइड दोनों में मैंने ये डिज़ाइन दिए हैं। उसके बाद मैंने जो वाइट स्टोन लिए हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने वाइट स्टोन यहाँ पे चिपकाए हैं तो कितने अच्छे लग रहे हैं। और अगर आप चाहें तो आप यहाँ पे और भी डिज़ाइन के स्टोन चिपका सकती हैं। तो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा खाली खाली लग रहा था तो यहाँ पे मैं इसी स्टोन को और चिपका के थोड़ा सा इसको बड़ा कर रही हूँ। तो आप देख सकते हैं कि इसका डिज़ाइन कितना चेंज हो गया, ये देखिए, और कितना यूनिक लगने लगा आपका पर्स इतना ही करने से। फिर यहाँ साइड पे भी मैं थोड़े से स्टोन चिपका दूँगी जिससे कि जो हमारा पर्स है और भी ज़्यादा सुंदर लगे, ये देखिए। इधर भी चिपका लेंगे हम, इससे क्या हुआ कि पर्स में बहुत ज़्यादा डिज़ाइन भी नहीं लगा, पर्स लाइट भी लग रहा, पर्स सुंदर भी हो गया और डिज़ाइन इसकी कितनी यूनिक लग रही है। पीछे साइड में भी थोड़ा सा डिज़ाइन हम बना देंगे, जैसा कि आगे साइड में मैंने आपको बताया कि पर्ल मैंने चिपकाया है तो पीछे साइड में भी इस तरह से हम पर्ल चिपका लेंगे ताकि आगे पीछे की जो डिज़ाइन है लगभग सेम लगे और पर्स आगे से भी और पीछे से भी यूनिक लगे। तो इस तरह चिपका के हम इसका वर्क करके और डिज़ाइन को इस तरह बना लेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे दो दो हम स्टोन चिपका लेंगे और एक साइड में चिपकाएंगे जिससे कि हमारे जो पर्स है उसका लुक थोड़ा सा चेंज हो जाए। अगर आपको ज़्यादा पसंद हो तो आप छोटे स्टोन से पूरे पर्स को भी आप चिपका सकती हैं, पूरे पर्स में चिपका के, और इसको आप ब्राइडल पर्स भी बना सकती हैं। बट मुझे श्योर किसी पार्टी में जाना था, शादी में जाने थे तो इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा इसमें नहीं चिपका, मुझे इतना अच्छा लगा था तो इसलिए मैंने इतना ही चिपकाया था। ये देखिए दोनों साइड में, अब यहाँ एक एक स्टोन और चिपका लेंगे। तो ये देखिए कितना लवली लग रहा है। अभी एक ही सेकंड में आपने देखा कि बिल्कुल प्लेन से पर्स का डिज़ाइन कितना अच्छा लग गया, चेंज हो गया। और इसे अब मार्केट में लेने जाएंगी तो आपको 1000 रुपीज से कम में नहीं मिलेगा ये पर्स, और घर पे इजी तरीके देखिए पर्स बन गया और कितना सुंदर लग रहा है। एक ही सेकंड में चेंज हो गया है पर्स का डिज़ाइन, और इस पर और भी आप डिज़ाइन डाल सकती हैं बट ये लाइट सा डिज़ाइन मुझे बहुत सुंदर लगा, यूनिक लग रहा है ये। और इसी तरह और भी अच्छे से डिज़ाइन आप बना सकती हैं। तो आपको मेरी वीडियोज़ आइडियाज़ कैसे लगे कॉमेंट करके बताइएगा। अच्छे लगे हो तो लाइक शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेगा। तो चलिए इसी तरह कोई और वीडियो लेकर फिर आएंगे, तब तक के लिए बाय।